ये गलत बात है, हम एनडीए में हैं, हमको तो ऐसा कहीं नहीं लग रहा है। अगर आरक्षण छीनने की बात होती और शुरू काट में सबसे खासियत पर लोग रहने वालों को प्रश्रय देने की बात अगर कही जाए तो जीतन मांझी तो बिहार में सबसे नीचे तबके के कैटेगरी के लोग हैं। उसका एक एमपी जीता जीतन मांझी को, उसको उन्होंने कैबिनेट में स्थान दिया, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि शिविर कास्ट के प्रति अन्याय है। शिविर कास्ट के प्रति उनका पूरा सम्मान है, सबको सम्मान देते हैं, मैं ये मैं मानता हूँ। और जहाँ तक आरक्षण छीने की बात है, कहाँ आरक्षण छीने की बात हो रही है? सब जगह आरक्षण की बात आ रही है और सबको लोग दे रहे हैं, जहाँ जरूरत है वहाँ बात आती है तो उस पर कार्रवाई करते हैं। इसलिए तो आरक्षण छीनने की बात नहीं है, और यदि आरक्षण छीनने की बात होगी तो मैं कैबिनेट में हूँ, कैबिनेट में भी हम उनसे बात कर सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि क्रीमी लेयर होना चाहिए क्रीमी, और इस चीज़ को हमारे मंत्रिमंडल में खासकर नीतीश कुमार जी ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि नहीं, अम्बेडकर साहब ने क्रीमी लेयर की बात नहीं कही, हम उनके साथ हो गए। ठीक बात है, क्रीमी लेयर नहीं हो, लेकिन शेड्यूल कास्ट में बहुत सी ऐसी जातियाँ हैं जिनकी साक्षरता दर 5%, 7%, 10%, 20% है। उनकी हालत आज यही है कि 76 वर्ष आज़ादी के बाद भी आज हाशिए पर, इस बात पर उन्होंने सहमति जमीन की प्रधानमंत्री ने दिया और कहा कि इसके लिए स्पेशल कुछ होना चाहिए, तो फिर अलग किसान कर रहे हैं जिस प्रकार की खिलाफ। 21 तारीख को विपक्ष आरक्षण को लेकर मुद्दे में भारत बंद का आह्वान किया, अब उनका बात है, उनके बारे में हम क्यों बोलें।